और यही बात थी कि ठाकुर कौल सिंह की जुबान की वजह से आज वो, मुझे लगा कि मैं यदि कांग्रेस से लड़ता हूँ, हो सकता है दरंग में वोट जो है उनको मिले, वो भी विधायक बन जाए। तो सबसे बड़ा सबको उनको सिखाना है कि उन्होंने जो मेरे पिताजी को धोखा दिया था, तो आज उनकी पीठ लगाना मेरे लिए बहुत जरूरी थी। और वही हुआ कि दरंग और बल जैसी सीटें। सदर विधायक अनिल शर्मा ने कांग्रेस नेत्री चंपा ठाकुर से पूछा है कि वे बताएं कि अपनी सरकार होने के बाद भी जोनल हॉस्पिटल मंडी में रेडियोलॉजिस्ट को क्यों तैनात नहीं करवा पा रही है। आज पंडोह की 3 पंचायतों में जनसंपर्क अभियान के दौरान अनिल शर्मा ने चंपा ठाकुर सहित उनके पिता कौल सिंह ठाकुर और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पर जमकर जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा कि 1993 में कौल सिंह ठाकुर ने पंडित सुखराम का साथ न देकर उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोका था, उसी का बदला लेते हुए इस बार के चुनाव में कौल सिंह की पीठ लगवा कर हिसाब किताब चुकता किया है। आज कौल सिंह सभाओं में अपनी हार को लेकर रो रहे हैं, जबकि यह उनकी बदजुबानी का नतीजा है। यहां से जिला परिषद की सदस्य रही और एक बात, महिलाएं भी यहां बैठी हैं। मैं आपसे केवल इतना चाहूंगा कि आप ये बात को बात करें, महिलाएं भी खासकर, कि अल्ट्रासाउंड जो होता है, सभी महिलाओं को पता अल्ट्रासाउंड क्या कराना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड होता है प्रसूति महिलाओं के लिए और किसी के मर्दों के लिए भी अल्ट्रासाउंड होता है, परंतु एक साल हो गई, वो कहते हमारी सरकार है। भाई आपकी सरकार है तो एक साल में आप डॉक्टर क्यों नहीं टिकना देते वहां अल्ट्रासाउंड का? मेरे को बोलते हैं कि नहीं सर, मार कुछ बकता रहता है। भाई क्या पकड़ा मैंने? मैं गलत बोल रहा हूं? मैं कभी उनका नाम नहीं लेता था पहले, पर दुख होता है कि आप, मैं कितने डॉक्टरों को लाने के प्रयास कर रहा हूं, आप डॉक्टरों टिकने दे रहे। बाकी डॉक्टर है पर उनका डॉक्टर जो है, जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट होता है, वो वहां टिकने देते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मैं अपने पिताजी के नाम को दोबारा से इस राजनीति के अंदर रखूं। और यही बात थी कि ठाकुर कौल सिंह की जुबान की वजह से आज वो, मुझे लगा कि मैं यदि कांग्रेस से लड़ता हूं, हो सकता है दरंग में वोट जो है उनको मिले, वो भी विधायक बन जाए। तो सबसे बड़ा सबको उनको सिखाना है कि उन्होंने जो मेरे पिताजी को धोखा दिया था, तो आज उनकी पीठ लगाना मेरे लिए बहुत जरूरी थी। और वही हुआ कि दरंग और बल जैसी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत कर, आज कई बार मैंने सुना, 4-5 दिन पहले कहीं वो बिजली में उनका कार्यक्रम था, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनकी आंखें भर गई कि आज मैं जीता होता तो मैं पता नहीं क्या होता। तो क्या होता भाई, आपने एक जुबान जो होती है ना, उस जुबान की बात करना चाहता हूँ। इंसान कई बार सोच समझ के नहीं बोलता। और आज मेरा पैसा जो है 1,14,00,000 रुपए भी आज कोटली पंचायत घर को, तो लगभग 2 करोड़ का पंचायत घर बना रहा हूं मैं। बोलने का मतलब, आज की परिस्थितियों में जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं, दुख इस बात का होता कि हम मुख्यमंत्री तो मंडी से थे, परंतु 5 साल मेरे एक भी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में कमरा नहीं मैं ऐड कर सका। कारण क्या था? कारण वो एक ही था, एक सबसे बड़ी सबको पता था कि कौन था जिसकी वजह से हमारे सब काम रुकते रहे। हम कभी मैंने कहा मैं धर्मपुर का विरोध किया, परंतु आपने हमेशा, अभी आप बताइए, स्कूलों के कमरे नहीं आए, आज क्यों आ रहे हैं?